मोदी सरकार का कोरोना काल के बाद बजट आया और तमाम तरीके से आत्मनिर्भर की बात कही है, जिसमें जल और तमाम इंफ्रा को लेकर जो है बिग भारी भरकम बजट दिया गया। हमारे साथ मौजूद है महेंद्र सिंह जी, कैबिनेट मंत्री हैं। सर, भारी भरकम बजट और आत्मनिर्भर बजट कैसे देखते हैं? नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपने वित्त मंत्री को बधाई और अभिनंदन करता हूं। और जिस तरीके का उन्होंने ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें हर किसी के लिए सब कुछ उन्होंने प्रदान किया है, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, रोजगार के सृजन के लिए और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, इस बजट में जो प्रावधान किया गया है वो ऐतिहासिक बजट है। और पहली बार टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए जो डिजिटल इंडिया की बात कही जा रही थी, उसका जीता जागता नमूना आज के बजट के प्रस्तुतिकरण में दिखाई पड़ा, जहां पर पेपरलेस बजट था। तो मैं समझता हूं कि ऐतिहासिकता हर दृश्य से इस बजट में दिखाई पड़ी है। तो चतुर्दिक विकास के दृश्य से यह बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन बाल वैज्ञानिकों को लेकर जो है कि चिकित्सा क्षेत्र में जो है एक बार अच्छी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री ने खुद इस बोला और खुद वित्त मंत्री ने इसमें रखा कि 50,000 करोड़ का प्रावधान किया गया स्वास्थ्य के अंदर अलग से, तो कैसे देखते हैं, क्या पूरे 6 साल के अंदर खर्च करने की बात है? देखिए, भारत के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते हैं और आत्मनिर्भर भारत के तहत जो वैक्सीन बना करके दुनिया में एक बड़ा संदेश भारत के वैज्ञानिकों ने दिया है और उसके तहत पूरी दुनिया के अंदर ये चर्चा चल रही कि भारत सबसे आगे है, तो उसका भी प्रावधान किया गया। और हेल्थ के सेक्टर में बहुत बड़े परिवर्तन के, क्रांतिकारी परिवर्तन, 137% उछाल के साथ बजट में प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें हर किसी को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि सभी दृश्यों से बजट बहुत ऐतिहासिक है। आपके विभाग को भी जो है रखा गया, एक तरीके से देखा जाए खासा ध्यान दिया गया है कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में है कि हर घर को नल से जल प्राप्त हो, और उस पर प्रधानमंत्री जी पहले कह चुके हैं और उसके दृष्टि से उन्होंने प्रावधान भी किया है और 2024 तक भारत के हर घर में नल से जल भी प्राप्त होगा, जल का संचयन, जल का संवर्धन और शुद्ध पेयजल लोगों के घर तक पहुँचेगा। धन्यवाद। तो ये थे कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि जो बजट आया है वो लोक कल्याण का है, आत्मनिर्भर बजट है और सबके लिए समाहित बजट है, जिसमें सभी वर्ग को, सभी लोगों को जो है समाहित किया गया है। शैलेश पांडे के साथ रामनिध भट्ट, लखनऊ, जनतंत्र। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।